Hey everyone. Hey everyone. Again happy new year. और विवेक और रिचा आप अपने घर जा रहे हैं और ये लोग हम लोग को डिच कर दिए. ये लोग साथ में घूमने जाने वाले थे तो हम लोग भी ये लोग बोल रहे हैं कि गेट लॉस्ट गेट लॉस्ट बोल जेनी हम लोग कल चलेंगे. तो ये लोग बोल रहे हैं कि आज ये लोगों को बहुत कॉल आएगा घर से और ये लोग नहाए नहीं है तो ऐसा 50 बहाना ये लोग का नहीं जाने का. हाँ पूजा पाठ करना है. ठीक है कूल सी यू गाइस. और तो आज फर्स्ट ऑफ जान है और आज हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पे. हाँ तो आज पिकनिक पे जाना था इसलिए मैं ड्राइव कर रहा. अगर जेनी चलाती तो फिर शायद रात में पहुंचते क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वो 30-40 किलोमीटर आई थिंक 40 किलोमीटर से ज़्यादा आई थिंक अपने घर से 50-60 किलोमीटर है. और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है. तुम बहुत प्यारा से धूप निकला होगा आप लोग देख ही रहे बाहर. जिनी बोर मार रही है. हाँ तो जिनी के दोस्त बहुत ही धोखेबाज निकले. पहले रिचा और विवेक भी साथ जा रहे हैं. आई विल टेल यू द रीजन. रीजन ये है कि दिनेश उनको बहुत बार धोखा दे चुका है. ओके हाँ वो ट्रू है मगर ऐसे लास्ट मोमेंट पे नहीं एक दो दिन पहले मना किया है. तो ये प्लान ही लास्ट मोमेंट पे बना है. कल ही आप लोग उससे पूछे हैं और आज जाना था. हाँ तो लास्ट मोमेंट पे ऐसे हम लोग को पूजा करना है घर पे हम लोग नहाए नहीं है और ऐसा ऐसा डम एक्सक्यूजेस था. तो फिर रिचा और विवेक को हम लोग बाय बोल दिए जाओ तुम लोग. और अब हम लोग जा रहे हैं दीपेश के यहाँ. तो वहाँ से फिर हम लोग साथ में तो हाँ ऑलरेडी 6 लोग में से 2 निकल चुके हैं तो 4 लोग बचे हैं. लेट्स सी और 5 लोग हैं. अपने 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 नए दोस्तों से आप लोगों को मिलाते हैं थोड़े देर में. ये देखो किसले और यशवर्धन और इनके पापा दीपेश. जैसा मेरा शक था कि वो काफी लेट होगा और हम लोग 20 मिनट से वेट कर रहे हैं ये लोग और ये लोग आए नहीं रहे. अब बच्चा लास्ट मोमेंट में पॉटी करेगा तो क्या करेंगे. अरे ये लोग सब एक्सक्यूज है. तो ये नहीं हम लोग एक्चुअली 9 बजे के आसपास रेडी थे ऑलमोस्ट फिर इसको निकाल के हाथ खाली करने लगे. अब इसका भी बैक स्टोरी ये है कि हम लोग ये लोग को पहले वेट कर रहे हैं अब ये लोग बदला ले रहे हैं. दीपेश भी आ रहा है अपनी गाड़ी लेके और आ गया. सारे कपड़े हैं. चलो चलो बनाओ बनाओ. अबे रुको दीपेश. अबे देख के देख के देख के देख के देख के ब्लॉक के चक्कर में दीपेश खतरों से खेल रहा है. हाँ तो ये दीपेश है जो कि 5 मिनट में नीचे आने वाला था और 20-25 मिनट हो चुका. हाँ दिनेश जो 9 बजे आने वाला था और अभी 10:30 हो रहा है. वो पुरानी बात हो गई. तो अब हम लोग डिसाइड करेंगे कहाँ 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 खड़े होंगे ये इसके पीछे ही. तो हम लोग देखते हैं. टोस्ट मास्टर दिनेश नरेट कर रहे हैं. तो हम लोग देखते हैं अब कहाँ ब्रेकफास्ट करने चलना है और पिकनिक के लिए कहाँ जाना है. यूट्यूबर टाइप्स लग रहा है ना पूरा बकायदा वो यूट्यूबर दिनेश. हाँ और दिनेश की गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है बस. और ये लाल धनो और ये सफेद घोड़ा. तो अब चलते हैं और पूरा प्लान दीपेश का है. तो दीपेश का नहीं किसले का है. किसले का है देखो सारा क्रेडिट वाइफ को ही देना पड़ता है एंड में. तो देखते हैं अब. तो हम लोग डिसाइड किए कि एक ही गाड़ी से जाएंगे क्योंकि काफी बोरिंग हो जाता और
अनु को दिखाओ पीछे। हाँ हाँ तो आ जाओ यार, बिल्कुल तुम लोग भी आ जाओ। हेलो। और यश को ढक दियो, यश को भी, यश को भी हाईलाइट कर दो थोड़ा। यश को दिखाओ। मीट यशवर्धन, एसीपी यशवर्धन। ये यशवर्धन है। और हम लोग पांचों जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में दो तीन जगह हैं, बाद में दिखाते हैं क्या है। तो मिलते हैं अब। जय माता दी। जय माता दी। चलो। ये देखिए यशवर्धन बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है और बहुत अच्छे से सो रहा है और अपने हैंकरचीफ से नाक मुंह सब साफ भी कर लेता है। काफी इंटेलिजेंट बच्चा है। और ये देखिए उसके पापा बेहद बेहद बुढ़वा आदमी है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ जिनी के तीन दोस्त, दीपेश किसले और यश, और ये दो और दोस्त चंगू मंगू। ये लोग जिनी अपने दोस्तों को केला खिला दो। काफी अच्छा केला कैच किया जिनी। जिनी 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 उठाओ ना, एक बंदर को उठाओ ना। तुम एक काफी नहीं हो। नाइस ट्राई। और ये भाई साहब हट जा, गाड़ी आ रहा है। डरते हो क्या बंदरों से? हाँ भाई, जानवर से डरना ही चाहिए वैसे भी। तो दीपेश ने ये घूमने का जगह ढूंढा था इस पेड़ के बारे में। दिनेश पता नहीं, पसंद नहीं आया शायद दिनेश को। नहीं अच्छा है। दिनेश के सार्कास्टिक टोन को हम लोग देख रहे हैं अभी। नहीं अच्छा है, काफी अच्छा है। और ये पेड़ कितने साल पुराना है? 400 साल पुराना पेड़ है और काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, आप लोग जैसे देख सकते हैं। तो हम लोग को लग रहा है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड इसको देखने में यश ही है। देखो काफी काफी गौर से देख रहा है चारों तरफ और बाकी सब तो मतलब ठीक है। दीपेश तुम इंटरेस्टेड हो? हाँ ऑब्वियसली। इसके ऑब्वियसली में बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं लग रहा था। मैंने ही तो प्लान किया था, इसका, मैं कैसे बोल सकता हूं इसका प्लान है तो ये इसको ऑब्वियसली बोलना ही पड़ेगा कि अच्छा है। यश पापा अच्छी जगह लाए हैं, नहीं ना दूसरी बार आ सकते हैं दीपेश? साइड आ रहे हैं तो मेरी मे भी पेड़ पौधे ज़्यादा पसंद। सबको पता नहीं कि एक ही ट्री है। ओके गाइस से बाय। बाय यश से बाय। हाँ मूड में नहीं है वो, बोर हो गया अब, बोल रहा है नई जगह पे चलना है। हाँ तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दीपेश का जो पहला सिलेक्शन था प्रिटी एवरेज था, लोगों को बहुत बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। कैसा लगा जी तुमको? खा लो पहले, खा लो तुम। तो आई थिंक बहुत भूख लग गया है। दीपेश तुम्हें कैसा लगा? हाँ वो लास्ट वन टाइम विजिट के लिए अच्छा लगा। अगर आप लोगों को पौधों में इंटरेस्ट है तो बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है, राइट? दीपेश का भारतीय संस्कृति से काफी ज्यादा लगाव है और उसके कमेंट्स कई बार उसी विषय को उजागर करते हैं। Oh my God.
तो अभी हम लोग डैम के पास पहुंच चुके हैं, बट दीपेश ने अच्छे से पता नहीं किया था तो डैम में एंट्री अलाउड नहीं है। नहीं नहीं, मैं मेरे को मालूम था वो अलाउड नहीं है, बट अच्छा फिर भी लेके आया वो, बाहर से भी दिख जाएगा। हाँ अब दीपेश किसले के जेन्युइन डाउट्स हैं, दीपेश क्लियर नहीं कर पा रहा है। मैंने पढ़ा है, है भाई करना है। चले कुछ हाँ जी नहीं तू बहुत 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 गंदा गाती है जिनी, और गाते हैं दैट्स इम्पोर्टेंट। तो अब यहाँ से डैम का कुछ दिख तो नहीं रहा है, काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं तो काफी सुंदर व्यू है, बट आई थिंक बैठने का कोई जगह नहीं है। हम लोग को पिकनिक के लिए स्पॉट ढूंढना पड़ेगा, नहीं जहाँ थोड़ा चटाई बिछाई बिछा के कुछ लगाया जाए, चटाई चुटाई बिछाना होगा। हे एवरीवन, तो हम लोग को अभी पिकनिक स्पॉट ढूंढना है जहाँ से लेक व्यू था वो, वहाँ पर पुलिस अलाउ नहीं कर रही है और वहाँ से वापस लोगों को भेज रही है, और काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है तो हम लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे। वो लाइन से जो एंड में पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर है वो, तो हम लोग एक अल्टरनेट पॉइंट कुछ ढूंढ रहे हैं, उसकी तलाश में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे आगे किसले दिख रही है यशवर्धन के साथ, और फिर दीपेश है, और फिर जिनी और मैं। क्या हुआ? नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है दे दो। अरे ये सब में छोड़ा नहीं जाता है, दे दो। इतना तो प्रेशर, वो भी दे रही थी। अच्छा हाँ, ओ लेक दिख रहा है, तो हम लोग को मेनली लेक व्यू ढूंढना था ताकि लेक व्यू स्पॉट। और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक किसले लग रही है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए लेक व्यू, और वो देखिए एंड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि पुलिस वाला लोगों को वापस भेज रहा है उस साइड से। काफी स्टीप है, दीपेश हर दिन जिम करता है तो वो आराम से चढ़ जा रहा है। मेरा स्पीड इसलिए कम है क्योंकि मेरे पास काफी सारा सामान है, है ना? हाँ एक बार में ही चढ़ जाता। नहीं नहीं, अंगद का पैर है ये, अंगद का। ओके ओके, व्यू काफी अच्छा है यहाँ से। अगर इस जमीन पे बैठे तो फिर बैठने लायक नहीं रहेंगे, तो एक बैठने का जगह ढूंढना पड़ेगा। Was it worth? I don't know. Yeah. Is it worth? तो मेरे पास काफी सारा सामान था, ये 15-20 लीटर का पानी था। व्यू काफी अच्छा है, और दीपेश को मेरा हेल्प चाहिए।
हाँ ठीक है, गो एट दीपेश। हेलो, तो हम लोग पहुंच गए हैं फाइनल लोकेशन पे और यहाँ पहुंच के लग रहा है कि इट वाज वर्थ। आप देख सकते हैं सामने, दिनेश दिखाओ यार इतने अच्छे से करेगा तुमको अपना चैनल बनाना पड़ेगा। देखो सबसे सेटल्ड यश लग रहा है, यश को छतरी भी मिल गया है तो अपना बिजी है, माहौल एंजॉय कर रहा है। और किसले ने काफी तैयारी किया है, कुछ खास नहीं, बहुत सारा बन और कचौरियाँ, कचौरियाँ दिखा दो, गर्मी लग रहा है यार। और म्यूजिक सिस्टम भी है, हाँ कुछ गाना चला दो, डाउनलोडेड गाने हैं अगर यहाँ नहीं चले। और वो बटर भी है, काफी तैयारी है, सो होपफुली खाना अच्छा होगा। चाय भी है, कटोरी, तो काफी अच्छा पिकनिक का प्रिपरेशन है। बहुत हवा चल रही है तो मजा ही आएगा। फोन उड़ जाएगा, वो पिंक वाला बैग दे दो, उसी को रख देता हूँ। सबसे ज्यादा एंजॉय यश ही कर रहा है और उसके बाद उसकी मम्मी। और ये स्पॉट किसले का ढूंढा हुआ है तो बोलना। हाँ दीपेश, तो स्पॉट में तुम्हारा कितना यार, क्या हुआ? मुंह पे गया था ये, दीपेश ऐसे ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। यश बड़ा होगा देखेगा तो क्या बोलेगा? नहीं तुम जैसे रखे थे वो ठीक है, यहाँ पर एक और बैग रखो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं यश के सेटल होने के बाद। बन बन गया है और बन और चाय खा रहे हैं। तुम्हारा जो व्यवस्था किया गया है उसमें तुमको मजा नहीं आ रहा है, तुमको गिरने वाली जगह में आना है। यश अपना एंजॉय कर रहा है और चाय और बन हम लोग खा रहे हैं। तो इधर ही रहना तुमको, यहाँ ठंडा हो जाएगा दिनेश। करना है कौन सा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा क्योंकि उतना अच्छा नहीं बजाते हैं। अरे ये वो है, टिंग 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 टिंग, ये वो है, वो है स्मोक ऑन द वाटर। यस यस, यू आर सो अमेजिंग, यू आर सो अमेजिंग दिनेश, हे एवरीवन। सो फाइनली दीपेश हम लोग को हेल्प कर रहा है सारा पैक सारा पैकअप करने के लिए। और हाय टू एवरीवन, और हम लोग ने मेक श्योर किया है कि हम लोग कुछ भी यहाँ कचड़ा ना छोड़े, तो सारा कुछ साफ कर दिया है हम लोग ने। और अभी भी काफी प्यारा व्यू आ रहा है और हल्का सनलाइट भी है। और यशवर्धन ने भी काफी एंजॉय किया। यशवर्धन से हाय। हेलो पीपल। सो फाइनली हम लोग पैक कर ऑलमोस्ट कर चुके हैं और मैं दीपेश को हेल्प नहीं कर रहा हूँ, बट अगर ये वीडियो अच्छा आया तो ही विल बी हैप्पी आई थिंक। ठीक है दीपेश, फाइनल वर्ड्स ऑन दिस हैंगआउट एट दिस प्लेस। प्रेस द सब्सक्राइब बटन, अबे नहीं प्रेस द बेल आइकन। ये मैं इसको बोल रहा था कि ऐसा लाइन मैं यूज नहीं करता हूँ, तो बट ठीक है, ओके अब वो बोल दिया तो ठीक है, आप लोग का मन हो तो कर सकते हैं। ओके एवरीवन से बाय, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ बोलो। अरे तो हम लोग अब वापस आ चुके हैं पिकनिक मना के। सब सावधान मुद्रा में क्यों खड़े हो? सबसे ज्यादा एंजॉय यही बंदा किया है, सबसे ज्यादा एंजॉय यही किया है यही लड़का।
तो काफी काफी एंटरटेनिंग पिकनिक रहा, काफी मजा आया, बस काफी टायरिंग भी, काफी टायरिंग भी रहा, थक गए हम लोग। मैं नहीं थकी हूं, मैं एक और ट्रिप के लिए रेडी हूं। दिनेश गूफ अप कर दिया आते हैं, मैं आपने देखा कुछ कुछ गूफ अप नहीं किया है मैंने। दिनेश दिनेश सो फाइनल कमेंट्स, फाइनल कमेंट्स दीपेश। कुछ नहीं, इट वाज नाइस। अगली बार मालदीव चलते हैं। ओके गाइस, थैंक्स एवरीवन, बाय बाय।